हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और यार व्लॉग आज कुछ अलग तरीके से स्टार्ट कर रहा हूँ यार। तो व्लॉग हमेशा एक ही स्टाइल से स्टार्ट हो रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था। और आज का व्लॉग का टॉपिक है विक्रांत मासी, जो कि यार मिर्ज़ापुर में बबलू पंडित का रोल निभा चुके हैं। और तब तो मैं उनका फ़ैन नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन अब आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ विक्रांत मासी उर्फ बबलू पंडित। मतलब यार 2 जुलाई को फिल्म निकला था हसीन दिलरुबा। कास्ट में विक्रांत मासी, तापसी पन्नू और एक यार कौन सा फिल्म था, सनम तेरी कसम में जो हीरो था लीड रोल में वो है। तो मतलब मैं फिल्म देख रहा था 2 जुलाई को ही, मतलब मैं सोचा था रिलीज़ होते ही डाउनलोड करके देखूंगा, लेकिन मैं देख नहीं पाया। और आज है, मैं डेट देख लेता हूँ, डेट है आज 13 जुलाई, मतलब कि 10-11 दिन बाद मैं वो फिल्म डाउनलोड किया हूँ और छत पे आया था। और छत पे इसलिए आया हूँ मैं क्योंकि मैं अभी जस्ट 2 घंटा 16 मिनट पहले विदाउट स्क्रिप्ट किए हुए एक एक पार्ट देखा हूँ मैं उस मूवी का। और वो मूवी यार मतलब लव स्टोरी अगर हो परफेक्ट आदमी के लिए, परफेक्ट इंसान के लिए तो वैसा हो, वरना यार लव स्टोरी हो ही ना। आप लोग जैसे मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ ना, मैं देखा हूँ, गूगल पे गया हूँ, रेटिंग दिया हूँ, पहले IMDb पे 6.9 का रेटिंग है, कोई नहीं 8.5 प्लस होना चाहिए था, ठीक है, बट यार क्या कर रहे हो आप लोग, जाओ रेटिंग दो। और जिस स्टाइल से मैं बता रहा हूँ ना उसी स्टाइल से मैं देखा हूँ। और वो यार जो हाथ का रोआ होता है ना खड़ा हो गया था, मतलब बाल खड़े हो गए मेरे हाथ के रोए के शरीर के, वैसा मैं जब देख रहा था लास्ट का जो 10-15 मिनट वाला जो पार्ट था ना मूवी, तो मुझे पूरा अच्छा लगा, कहीं भी बोरिंग पार्ट नहीं था। लव स्टोरी हो तो वैसा भाई, परफेक्ट इंसान के लिए परफेक्ट फिल्म, मतलब क्या रोल है भाई, क्या पर्सनैलिटी है विक्रांत मासी का। तो फिल्म तो मैं पूरा देख चुका हूँ, और कौन से फिल्म की बात कर रहा हूँ ये भी आप लोग जान चुके हो। तो यार एक बार मेरे कहने से जाओ प्लीज़ देखो, अगर आपको कुछ नया देखना है, कुछ यूनिक देखना है, वही घिसी पिटी कहानी अगर नहीं देखना ना तो जाओ हसीन दिलरुबा देखो। मूवी का नाम है, मूवी है पूरा 2 घंटे 16 मिनट का, 2 जुलाई 2021 में अभी जस्ट 10 दिन पहले रिलीज़ हुआ। और उस मूवी की तरह भी कोई कहानी मुझे लगा नहीं, होगा कहानी, हो सकता है किसी फिल्म का हो, बट अलग है यार और काफ़ी यूनिक है। और जो कैरेक्टर है ना बबलू पंडित का, मतलब विक्रांत मासी का, मतलब यार सैल्यूट है उस इंसान को, क्या कैरेक्टर है उसका उस फिल्म में। मतलब जहाँ पे वो अपना हाथ काटता है ना, क्या बताऊँ मैं, छोड़ो आप लोग यार देखो जाके हसीन दिलरुबा, 2 जुलाई को रिलीज़ हुआ था, जाओ। और यार ये कोई व्लॉग नहीं था, बस एक मूवी का रिव्यू था। और पेड़ तो है नहीं, मतलब कि कोई मुझे पैसा दिया नहीं है इस मूवी का रिव्यू करने के लिए, तो मैं अपने दिल से बता रहा हूँ कि मूवी यार एक नंबर है, एक नंबर। और जाओ देखो, बस जाओ देखो आप,